मोनेटाइजेशन को लेकर जो जो भी समस्याएं आती हैं उसके लिए YouTube ने समाधान ढूंढ निकाला। जी हाँ, आपके हमारे और सबके लिए YouTube ने जो समाधान निकाला है उसका मोनेटाइजेशन से बहुत बड़ा संबंध है। मोनेटाइजेशन को लेकर जो भी हमें प्रॉब्लमें आती हैं उसका समाधान YouTube ने दोस्तों निकाल दिया है। और मैं आपको YouTube की ऑफिशियल वेबसाइट में कि उन्होंने साफ साफ अक्षरों में पोस्ट किया है, अब क्या पोस्ट किया है वो मैं उसी में बताऊँगा आपको। और आप मेरे साथ बने रहिए, और चैनल अगर पसंद आता है तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार अपडेट और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो यूट्यूब ने क्या आपने उसमें अपडेट दिया है, इतना अच्छा अपडेट दिया है, क्या है वो अपडेट, वो मैं आपके पास आपको ले चलता हूँ जल्दी से। आपको देख रहा होगा कि मेरे बगल में यहाँ पर एक मोबाइल स्क्रीन चालू हो चुकी है जिससे कि मैं आपको उसी YouTube क्रिएटर्स इंडिया के YouTube चैनल पर लेकर जाऊंगा, जिसमें उन्होंने जो YouTube के CEO हैं उन्होंने पोस्ट किया है कि अब आप YouTube से जो भी पूछना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। जी हाँ, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में इंग्लिश बहुत कम लोगों को समझ आती है, ज़्यादातर हिंदी ही मातृभाषा है हमारी, जो देवलिपि नागरी है उसमें लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। हिंदी में हमारे इधर लोग बाग जल्दी समझ जाते हैं और आप भी जल्दी समझ जाते हैं। तो हिंदी में उन्होंने पोस्ट किया है कि ये देखिए, ये मैं जो आप पोस्ट दिखा रहा हूँ इसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि आपके प्रश्न पूछे गए प्रश्न को अब हिंदी में भी आंसर दिया जाएगा। जी हाँ, जो आप हिंदी में भी प्रश्न पूछ सकते हैं और हिंदी में क्वेश्चन कर सकते हैं, हिंदी में आपको आंसर दिया जाएगा। तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मोनेटाइजेशन के समय हमें प्रॉब्लम आती थी कि वहाँ से ईमेल आता था कि अब हम क्या करें और इसमें इंग्लिश में है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक जय हिंद।